प्रणाम। हमें जाता मन तो कर रहा है कि सारी गोलियां उतार दूं तेरे खोपड़ी में अभी, लेकिन हम तुम्हें ऐसी आसान मौत नहीं मानेंगे। माफ कर दीजिए। ये तो जाने वाला है फोटिया से। फिर तो हमें ही मार दीजिए पहले। तुम हुआ निकल गई सारी गुंडाई। हमारे आदमी को मार के रौब जमा रहे थे, अब एक गुर्दा है तो मारो हमको, मारो। आप पे हाथ उठाने से पहले हम खुद को मार देंगे। काय बाप है हम तुम्हारे? भगवान, भगवान है आप हमारे। हमारे मंदिर में भगवान की जगह आपकी तस्वीर है, वो देखिए। बचपन से लेकर आज तक हमने आपको ही पूजा है। अबे जब हम भगवान है तुम्हारे तो हमारे खास आदमी बबलू को का है मारे? और वो हमारे लिए खास है जिसे वो सालों से सता रहा था। कौन? गुड्डी। जब तक सह सकते थे सह लिया, जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो ठोक दिया। अब आपको जो सजा सही लगे आप दे दीजिए, हम तैयार हैं। अबे चाहते क्या हो तुम? अपराध जगत में राज करना चाहते हैं। साबित करोगे? हुकुम। ठीक, जो काम बबलू कर रहा था उसे तुम लोग करोगे, लेकिन याद रखना हम इनाम में सांसें देते हैं तो सजा में सांसें छीन लेते हैं। ए चचा, जरा जल्दी काम करो, पाली ज्ञानी माल लेने लौटते ही होंगे। करता हूँ भाई, जल्दी करता हूँ। ए सलीम, जल्दी कर वहां पे। हाँ बाबा, जल्दी कर रहा हूं। कोई भागना ना पाए, भगड़ा सा लोगो, कोई बाहर नहीं जाएगा, किसी को भी बाहर मत जाने देना, चल सबको पकड़ो। अरे घंटे जब कर लो, मारो मत साहब, कटो मत साहब, ले चलो सबको। पुलिस पुलिस पुलिस, भागो भागो, चल चल चल। चल अंदर। अब माल कैसे पहुंचाएंगे पाली भैया? शांत रहे, शांत रहे। अबे चल, अरे चल अंदर, चल। डालो सबको अंदर, चलो अंदर, इसको भी डालो अंदर। आने चलो, बताता हूँ तुम सबको। कुछ करना पड़ेगा भाई। क्या हुआ रफी, इतना रक्तचाप का है बड़ा हुआ? पुलिस ने छापा मार दिया है। क्या? अपने जितने भी कट्टे बनाने वाले अड्डे थे सब पे छापा मार दिया, अपने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया। कौन है ये क्रांतिकारी जो शहादत के लिए बेकरार है? एक नया एसपी है, साले को ईमानदारी की बीमारी है। मैंने कमिश्नर साहब को भी फोन किया, कोई उसके बीच में नहीं आना चाहता है। ओ हरी, अब इतना सारा झाम कैसे संभालेंगे? हमरी तो खोपड़िया ही सुन्न पड़ गई। यार आप हमारे गुरु हैं नेताजी, ये बात बात पे खोपड़ी सुन होना आपको शोभा नहीं देता। आज अगर बबलू भैया होते ना तो ये दिन नहीं देखना होता। प्रणाम जज साहब। काम हो गया जज साहब। काम हो गया? कौन सा काम हो गया बे? आए माल तो पुलिस ले गई। कौन सा काम हो गया? चुप,
हम बात कर रहे हैं, बात करने दीजिए। आइए जज साहब। ये गोबर कहां से ले आए बे? इस पे क्या मक्खन लगाओगे? धीरज रख। ये बात, अरे अब खोपड़िया ठंडी हो गई। जिन खोजा तन पाया गहरे पानी बैठ, और तू बहुरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। वाह। चलो बे, पैसे निकालो। ये लो, पूरे रख लो, रख लो, रख लो। और बाकी के? बाकी के? पूरे दिए ना? अबे इतनी सारी गोलियां तुम पे और तुम्हारे पप्पू पे निकाली है, वो कौन देगा? तुम्हारी अम्मा? वो भी हम? हाँ जी, हा? चलो निकालो 2,750। रख लो, ये भी रख लो। अरे पाली, ये तो 3,000 है। रख लो, रख लो, रख लो, रख लो। अब क्या मार रहे हो बे? 250 रुपए छुट्टे नहीं थे। चल मिलते हैं। बच्चों, मैंने क्या लिखा? बबलू तुम बताओ। फटूरे। फटूरे लिखा है? अबे कितनी बार कहा तुम लोगों को फचर फचर फचर। मास्टर जी आपसे कोई मिलने आया है। चलो मैं आ रहा हूं। मुर्गा बनो, मुर्गा बनो। ए, जल्दी निकाल, जल्दी निकाल, डब्बा डब्बा खोल खोल। ए, चल चल चल, कल से लाना डब्बा डब्बा। टिफिन खोलो, टिफिन खोलो। अरे जल्दी करो, जल्दी करो, टिफिन टिफिन टिफिन, जल्दी 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 जल्दी। ए खड़े हो, खड़े हो, अंडी तेरा बंद कर, टिफिन लाया। यानी जल्दी कर, जल्दी कर, वरना टकलो। टिफिन टिफिन, डब्बा खोलो, डब्बा डब्बा, जल्दी निकाल डब्बा। कल से लाना वरना ठोक डालूंगा। ए मोटे टिफिन दे दे, तेरा
वो चिरा जाएगा, दे अगली बारी ठोक डालूंगा तेरे को। अबे साले पाली ज्ञानी, फिर आ गए तुम लोग, रुको रुको, अबे साले भूखे लंगो, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अबे साला इसकी तो लचक गई। अबे अच्छा ठीक ही तो है बे, दिक्कत का है? अबे ठीक है तो निशाना का नहीं लग रहा है? अबे लगेगा तब ना जब लगाना आता होगा। अबे शिशुंदर की औलाद तू लगा के दिखा ना। अबे साले ये काम तो अपना पाली भी कर लेगा, तुम ये बताओ निशाना कहाँ लगाना है? अच्छा ए बुरे ये ले जा जा। ए चल 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 दिखाता हूँ तेरे को चल। अबे अबे साले अमरुद उधर है, इधर नहीं। क्या ये? अरे ठीक है रख ले, बाद में दे दूंगा, भागा थोड़े ही जा रहा हूँ। अबे और ये मुर्गे क्यों उठा के ले आया? इतने बता अबले क्या हो रहे हो बे, पैसे पूरे नहीं दे रहा था इसलिए उठा ले। अबे पैसे पूरे नहीं दे रहा था तो छोड़ देते, पुरानी गाहकी है उससे अपनी। धंधे मदारी पसंद नहीं हमें, तेवर देखो इनके। अगर ये ग्राहकी छूटी ना बेटा तो तुम्हारी होशियारी तुम्हारे पिछुआड़े में घुसेड़ देंगे हम, समझ गए ना? अब देख कर रहे हो बे, जाओ काम पर। साला दिन भर कुत्तों की तरह काम करो और ऊपर से इनकी गालियां भी झेलनी पड़ती है, हमें नहीं करना यार ये सब। तो क्या करेगा बे? हम जज बनेंगे। जज बनेगा? हाथ क्यों लगाता है बे? तो क्या पैर पड़े? जज बनेगा? अबे जज बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है पता है? पढ़ाई का तो पता नहीं साले, लेकिन गोली जरूर चलानी आनी चाहिए। प्रणाम करते हैं साहब। आप कैसे जज दे रहे हो साहब? कानून ने तो बाइज्जत बरी कर दिया है। कानून की आंखों पे पट्टी बंधी है, हमारी नहीं। हमारी अदालत में लड़की के साथ बलात्कार करने की, एक ही सजा है। खीरा सरते काटिके मलिए नॉन लगाए, और ऐसे जघन अपराध को चाहे यही सजाए। साहब फैसला तो आपने कर दिया है, अब ये भी बता दें कि दफा क्या लगाएं? समझ के साहब, समझ के। अरे हरी हमरी तो खोपड़ियाई खनखन आ गई, कुछ नहीं सूझ रहा। एक तो ससुरी सत्ता हाथ से चली गई, ऊपर से ब्रह्मानंदवा तुमको अंदर करवा दिया, अब तो खून खराबे पे लगाम कसो, नहीं तो 7 साल की सजा 60 साल में बदल जाएगी। चिंता काहे करते नेताजी,
ये जेल की सलाखें हमें कैद कर सकते हैं, हमारी बादशाहत को नहीं। धुला दीजिए, आ जाओ। धो लिया वो तो जाओ फिर। महारानी ना ही नहीं तुम अब तक, पता है ना बबलू आने वाला है, कोई तुमसे ब्याह रचाने के लिए नहीं कह रही मैं उससे, कुछ घंटे उसके साथ बिताने हैं, चलो जल्दी करो। हमरे नेताजी जीत गए हैं इलेक्शन। देखना अब यहाँ हमरा ही राज होगा, देखते हैं ससुरा बबलू शबलू का उखाड़ पाता है हमरा। अरे का ससुरी ठीक से नहीं दबा सकती का है, मेहंदी लगी हाथों में, मारेंगे थपड़िया तेरे को। एए, पोस्टर निकाल ना बकलोल। काबे चिरकुटाऊ का लगा था भाई तुमको, है ये बुढ़ऊ ब्रह्मानंद जीत गए तो हमारे सर पे चढ़ के तांडव करेंगे। आवाज नीचे, सरकार चाहे जिसकी भी हो राज तो बबलू चौधरी ही करेंगे। दुनिया में नहीं, समझ में आया? अरे ये तो साला बहुत जल्दी निकल लिया बे। हे भगवान, ऐसे क्या पाप किए थे हमने जो हर कोई हमें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता है? कैसा कोई नहीं जो हमें प्यार करे और सच्चे दिल से अपनाए। अच्छा बेटा, हम वहां मजदूरों की तरह माल धोएं और तुम यहां पर मजे से अपनी आंखें सेको। वाह, अच्छा एक बात बताओ, कब तक यूं ही छुप छुप के देखते रहोगे? पास जाके बोल क्यों नहीं देते? नहीं तो जिंदगी भर है ना दूरदर्शन ही करते रहोगे। अबे चलो बे, तुम नहीं समझोगे, जब सच्चा प्यार होगा ना बेटा फिर पता चलेगा। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं करना ऐसा प्यार व्यार जहां पर आंखों की रोशनी कम हो जाए लेकिन दूरियां कम होने का नाम ही ना ले। चल चलो काम पे, चलो
काम पे चलो चलो चल। और कैसे हो? सब ठीक? बस ठीक। अबे कहीं फटेगा तो नहीं? हाँ कहीं फटेगा तो नहीं? ये हमारा कट्टा है, कुछ भी निरोध नहीं जो कभी भी फट जाए। अच्छा सही जा रहे हो बे। अबे बोल के तो फोड़ते, कान के पर्दे फाड़ दिए। चलो बे निकलो, पैसा बाद में ले लेना। धंधे में उधारी पसंद नहीं है हमें। हमसे पैसा मांगोगे बे? हमसे पैसा मांगोगे बे? शांतिलाल सीधे सीधे पैसे निकालो, नहीं तो यहीं पे तुम्हें शांतिलाल बना देंगे हम। हाँ पता है किससे भिड़ रहे हो बेटा? बबलू को मालूम चला ना, ये बंदूक के बिना धुआं निकलेगा, समझे ना। अबे कैसी बुड़बक जैसी बातें कर रहे हो यार, पहले खुद की बचाओ फिर हमारी सोचना, समझे ना। चलो बहुत बुरे फंसोगे बता रहे हम। पैसे निकालो, पैसे निकालो। चलो बे पैसे निकालो। ये लो पूरे रख लो, रख लो रख लो। और बाकी के? बाकी के पूरे दिए ना। अबे इतनी सारी गोलियां तुम पे और तुम्हारे पप्पूओं पे निकाली है, वो कौन देगा? तुम्हारी अम्मा। वो भी हम? हाँ जी हा? चलो निकालो 2750। रख लो ये भी रख लो। अरे पाली ये तो 3000 है। रख लो रख लो रख लो रख लो। अब क्या मार रहे हो बे? 250 रुपए छुट्टे नहीं थे। चल मिलते हैं। तेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया आप। मेजर, मेजर सूर्यकांत राठौर, बहुत पुरानी दोस्ती लगती है तुम दोनों की, कट्टों से। कब से खेल रहे हो? बचपन से। खिलौने नहीं मिले तो इन्हीं से काम चला लिया। देखा, बहुत अच्छे शूटर्स हो तुम दोनों, लेकिन निशाना गलत जगह लगा रहे हो। मतलब? अपने हुनर का इस्तेमाल देश के लिए करो, इज्जत शौहरत पैसे सब मिलेंगे। ये सब तो है ही हमारे पास, पूरे कानपुर जिले में हमारे ही चर्चे हैं। किसी भी अपराधी से पूछिए, बड़ी इज्जत से नाम लेगा हमारा। और जब ये सब है हमारे पास तो पैसे भी आ ही जाएंगे। हाँ और रही बात आपके एहसान की, तो वो भी जल्दी उतार देंगे। वो क्या है कि उधारी हमें पसंद नहीं। चलो पाले चलो।
बड़ी बकैती फैलते थे भैया, आज पाले भैया ने बता दिया काटो से कंबल नहीं बोला जाता। पाले भैया ये सही कह रहा है, हार दुखे कड़ी नहीं बनती है। ए ज्ञानी भैया थोड़ा आराम से चापो, आराम से। अरे सब आप ही का तो है, कोई चीन थोड़े ना लेगा। ओए खाने पे मत बोलो बे। सारा बचपन भुखमरे में गुजरा है, अब तो ये भी याद नहीं कि आखिरी बार ढंग से खाना कब खाया था। खाने की बात करता है साला। अबे साले काहे इतनी चिंता करते हो मेरे भाई, अबे एक दिन ऐसा भी आएगा जब दुनिया भर का लजीज खाना तुम्हारे सामने पड़ा होगा और तुम सोच में पड़े रहोगे कि भाई हम कहां से शुरू करें। अरे पाली भैया अच्छा तुम लोग यहाँ पर मिल गए। हाँ अबे क्या हुआ रे भीमा, काहे इतना हाफ रहे? बबलू भैया ने बुलाया। अबे क्यों? वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है वो बहुत गुस्से में है। तुम कुछ नहीं बोलोगे, हम बात करेंगे, चलो। हाँ क्या हो गया बे, इतना घबरा का ही रही हो, जैसे पहली बार छू रहे हैं हम, या फिर मेरे हाथों की गर्माहट से मचला रही हो मेरी चम्मो। छोड़िए मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। अरे दर्द में ही तो मचा है मेरी जान। क्या हो गया, उधर का देख रही हूं है? तेरी हट बैक बना। कबे साले लंगोट बांधनी आ गई तो कहीं भी मुद्दों के है, हमारे आदमी को डराता है। हट पीछे हट, हाय आठ नीचे नीचे कर आठ। साला चौधरी बनेगा तू। देखो पहले हमारी बात सुनो। क्या बात सुनो बे? ये जो भी कुछ हुआ इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। तो साले क्या हमारी गलती थी? बैठ। साले हमारे भाई पे गोली चलाओगे? हमारे भाई पे गोली चलाओगे? तब हम बच्चे थे, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा जैसे चलता आया है, सिर्फ हुक्म हमारा होगा। और किसी को यहां कोई दिक्कत हो तो उसे भी बबलू के पास पहुंचा दिया जाएगा। चलो सब गोली हो जाओ। अबे चलो निकलो बे निकलो, वरना ये हमें भी पेल देंगे। आप यहीं रुकिए। आज अपने दिल की बात बोल ही देना। जरा हमारी ओर देखिए, बचपन से हमने तुम्हें ही चाहा है। अगर तुम्हें लगता है कि हमारी आंखों में वो चाहत नहीं दिख रही तो चला लेना हम पे, वरना चली आना हमारे पास। दमत 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 दमन्निनाद मत दमरोयं चकार चंद तांडवं तनु शिव शिवं धगत 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 झलललात आवति शिवचंद 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 शिवचंद
जी सब। मंत्री जी का फोन है। इस उम्र में भी बहुत मेहनत कर रहे हो शुक्ला जी। जा साहब। हाँ प्रणाम नेताजी। अरे खुश रहो हरी। अरे कहाँ हो, तुमको खोजते खोजते तो खोपड़िया झंझना जाता है। आप हमारे गुरु हैं नेताजी, आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अच्छा सुनो, तुम्हारी रिहाई का बंदोबस्त हो गया है। का है? इलेक्शन आ गए का? हाँ हाँ, और इस बार इलेक्शन में कौनों कसर नहीं छोड़ना है। आप आदेश कीजिए, हम कर्म करने के लिए सदैव तत्पर हैं, अब जरा हम पर भी ध्यान दीजिए। अरे बोलो क्या बात है। क्या है? कि रक्त नीति में हम बहुत जी चुके, अब राजनीति में राज करना चाहते हैं। हाँ वैसे भी अंदर बाहर बहुत हो गया, तुम चुनाव की तैयारी करो, हम तुम्हारे नाम की घोषणा करते हैं। महादेव महादेव। सोकल जी। जी सर। थैंक यू, हम भी भोले के भगत हैं। नमस्ते। जैसा वो बबलू को गोली मार दे, मर्डर हो गया उसका। ए सोकल। हाँ जी, क्या हुआ जैसा? अब दफा हो चल। जैसा मेरी नौकरी। जी जैसा रिवॉल्वर दीजिए। हैं साहब, सरकारी है साहब। आप ही से कह रहे हैं रिवॉल्वर दीजिए। साफ समझने की कोशिश कीजिए, सरकारी है साहब। अबे हम सरकार हैं, रिवॉल्वर दे। जी लीजिए। चल साहब, सामान लीजिएगा। तुम में से पाली कौन है बे? प्रणाम। हमें जज सर। मन तो कर रहा है कि सारी गोलियां उतार दूं तेरी खोपड़ी में अभी, लेकिन हम तुम्हें ऐसी आसान मौत नहीं मानेंगे। माफ कर दीजिए, ये तो जाने वाला है फूटिया से। फिर तो हमें ही मार दीजिए पहले। तुम हुआ निकल गई सारी गुंडाई, हमारे आदमी को मार के रौब जमा रहे थे, अब एक गुर्दा है तो मारो हमको, मारो। आप पे हाथ उठाने से पहले हम खुद को मार देंगे। काय बाप है हम तुम्हारे? भगवान, भगवान है आप हमारे। हमारे मंदिर में भगवान की जगह आपकी तस्वीर है, वो देखिए। बचपन से लेकर आज तक हमने आपको ही पूजा है। अबे जब हम भगवान है तुम्हारे तो हमारे खास आदमी बबलू को काहे मारे? और वो हमारे लिए खास है जिसे वो सालों से सता रहा था। कौन? गुड्डी। जब तक सह सकते थे सह लिया, जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो ठोक दिया। अब आपको जो सजा सही लगे आप दे दीजिए, हम तैयार हैं। अबे चाहते क्या हो तुम? अपराध जगत में राज करना चाहते हैं। साबित करोगे? हुकुम। ठीक, जो काम बबलू कर रहा था उसे तुम लोग करोगे, लेकिन याद रखना हम इनाम में सांसें देते हैं तो सजा में सांसें छीन लेते हैं।
ए चचा, जरा जल्दी काम करो, पाली ज्ञानी माल लेने लौटते ही होंगे। करता हूँ भाई, जल्दी करता हूँ। ए सलीम, जल्दी कर वहाँ पे। हाँ बाबा, जल्दी कर रहा हूँ। कोई भागने ना पाए, भगड़ा सा लोगो, कोई बाहर नहीं जाएगा, किसी को भी बाहर मत जाने देना, चल सबको पकड़ो। अरे घंटे जब कर लो, मारो मत साहब, कटो करता मैं, ले चलो सबको। पुलिस पुलिस पुलिस, भागो भागो, चल चल चल। अंदर अब माल कैसे पहुंचाएंगे पाली भैया? शांत रहे, शांत रहे। अबे चल, अरे क्या ले रहा है? चलो सबको अंदर, चलो अंदर, इसको भी डाल अंदर। आने चलो, बताता हूं तुम सबको। कुछ करना पड़ेगा भाई। क्या हुआ रफीक, इतना रक्तचाप का है बड़ा हुआ? पुलिस ने छापा मार दिया है। क्या? अपने जितने भी कट्टे बनाने वाले अड्डे थे सब पे छापा मार दिया, अपने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया। कौन है ये क्रांतिकारी जो शहादत के लिए बेकरार है? एक नया एसपी है, साले को ईमानदारी की बीमारी है। मैंने कमिश्नर साहब को भी फोन किया, कोई उसके बीच में नहीं आना चाहता है। ओ हरी, अब इतना सारा झाम कैसे संभालेंगे? हमारी तो खोपड़ी आई सुन्न पड़ गई। यार आप हमारे गुरु हैं नेताजी, ये बात बात पे खोपड़ी सुन होना आपको शोभा नहीं देता। आज अगर बबलू भैया होते ना तो ये दिन नहीं देखना होता। प्रणाम जज साहब। काम हो गया जज साहब। काम हो गया? कौन सा काम हो गया बे? आए माल तो पुलिस ले गई। ए कौन सा काम हो गया? चुप, हम बात कर रहे हैं, बात करने दीजिए। आइए जज साहब। ये गोबर कहां से ले आए बे? इस पे क्या मक्खन लगाओगे? धीरज रख। ये बात अरे, अब खोपड़िया ठंडी हो गई। जिन खोजा तन पाया गहरे पानी बैठ, और तू बहुरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। वाह। Stop!
लड़ाई चल रहा है, नहीं ठोक दूंगा तुमको। मेरे रहते कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी यहाँ पर। अबे तेरे होते हुए ही बूथ कैप्चर होगा। चल पुलचंद, कुछ मीठा ले आओ दौड़ के। पुलिस वाले को झुंझुना समझ रखे हो बे, कि जब जी माए तब झुंड से बजा दिए। अब देखो हम मार मार के कैसे तुम दोनों को लप्पू झन्ना बनाते हैं। पुलिस वाले को मारते हो सालों, इतनी हिम्मत? हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं कि हमने नहीं मारा। अबे तो ये बता दो कि किसने मारा, वरना पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे खुजाते खुजाते। कल सवेरे ही तुम हमें छोड़ दोगे। बाय जत। बाप रे बाप, इसको बोलते हैं मुसीबतें 360, फिर भी सला ठाट पे ठाट। लेकिन क्या है ना मुन्ना, मुझसे बच्चा पैदा नहीं होता। हाँ तुम जानते नहीं हो हम किसके आदमी हैं। अबे जानते हैं, हवलदार मेवाराम बताए हमको कि तुम दोनों डाकू गब्बर सिंह के आदमी हो। तुम दोनों शायद ये नहीं जानते हो कि जिस आदमी के नाम पर तुम बुलबुला रहे हो ना, वो इस समय दिल्ली में बैठा हुआ है, और जब तक उसे ये सब पता चलेगा तब तक ये राघवेंद्र सिंह चौहान तुम दोनों की फाइल बंद कर चुका होगा। समाचार समाप्त। कल शाम तक का समय है तुम दोनों के पास, जुर्म कबूल कर लो नहीं तो। साहब इनके खाने का क्या? ये दोनों खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ गोली खाएंगे। हाँ पाले। हाँ वो देख, मेवराम दोनों को छोड़ दो। सर हमने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है, आप प्लीज एक बार देखिए। दिमाग पे ज्यादा जोर मत लगा, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। अब जो तुम्हें ठीक लगता है वो तुम करो। कानपुर शुक्ला गंज क्षेत्र के कुछ मतदान केंद्रों को चुनाव आयोग ने निरस्त कर दिया है। पुलिस के अनुसार इन मतदान केंद्रों पर हरिशंकर त्रिपाठी के लोगों ने जबरन वोट डाले थे। ऐसा कहा जा रहा है कि ये वही मतदान केंद्र है जहां पुलिस अधिकारी सतबीर सिंह की निर्मम रूप से हत्या कर दी गई थी। हमसे ज्यादा तो आप परेशान हो रहे हैं नेताजी। अरे ये 2-5 पोलिंग बूथ निरस्त होने से हम हारने वाले नहीं है। फर्क इतना पड़ेगा कि पहले हम 1.25 लाख से जीतते तो अब 1 लाख से जीतेंगे। इसलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। नहीं उठा रहे। अबे तुझे सब ढूंढ रहे हैं, क्या कर रहे हैं तू? अरे आंखें दिखा रहे हमका। अबे साले हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे क्या? पिछवाड़े में डाल के रखा था क्या? अबे बहुत बड़े टोपा हो का आए, हम फोन काटे जा रहे हैं, तुम लगाए जा रहे हो, काटे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हो। साले एक घंटे से तप रहे हैं यहाँ। तप रहे तो तपो ना, एहसान करो का हमरे ऊपर? चिट्ठी देके बुलाए तुम लोग को यहाँ पे का? ए देखो हमारा माथा मत ठनकाओ, हम जज साहब से मिलने आए और मिलकर ही जाएंगे। देखो जरूरत पड़ेगी तो बुला लिया जाएगा, और 2 दिन यहाँ नहीं आओगे तो मर तो नहीं जाओगे ना? तब मर ही जाते पुलिस के हाथों अगर सही मौके पे वो इंसान हमें बचाने नहीं आता था तो। सही बात है, और आना चाहिए था तुम्हें। काय बे ठेका ले रखे का तुम लोगों का? और भी बहुत काम है, चल निकल। अबे ज्यादा फड़फड़ा मत, नहीं तो गोली लगेगी देसी और इल्जाम जाएगा सरकारी पे। साले बबलू पे 1 खर्चे थे, तुम पे 2 खर्चेंगे, 1 आगे और 1 पिछवाड़े। चल 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 पाले, चल निकल निकल ले।
अरे बाप रे बाप, पाली ये कहाँ आ गए हम? ओ भाई कहाँ चले आ रहे हो? किससे मिलना है? मेजर साहब से मिलना है। मेजर साहब? हाँ काका जी, आने दो इन्हें। सुना जाइए। काका जी, अब इनके लिए कमरा तैयार कीजिएगा प्लीज। जी साहब। गुड, अच्छा लगा तुम दोनों को यहां देखकर। इससे यह तो साबित हुआ कि तुम्हारे अंदर इंसानियत के साथ साथ एक बेहतर जिंदगी जीने की भी चाहत है। तुम लोग थक गए होगे, आराम करो, कल मिलते हैं। अच्छा कटे हैं। हाँ अच्छा, ये बनानी है, काम हो जाएगा मेजर साहब। हाँ हाँ, बस बक्सा छोड़ के जाइए। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन पिस्टल्स है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल शूटर्स इस्तेमाल करते हैं। ओ मेजर, पर ये सब आप हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि आगे के सफर में ये तुम्हारे काम आएंगी। सफर? पर करना क्या होगा? रिलैक्स, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। फिलहाल जो मैं करने जा रहा हूं उसे ध्यान से देखो। एक्सक्यूज मी, कम। बंदूक हमेशा नीचे होनी चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर। ये पांव कंफर्टेबल डिस्टेंस पे, शोल्डर सीधे, लुक ऊपर, मुंडी सीधी। हाथ जहां भी आपको रखना है आप लोग रख सकते हैं। ये और इसके बीच में आपको टारगेट दिखाई देना चाहिए। ओके, कॉल इट, आ जाओ। ये आपकी पिस्टल्स, अभी सिर्फ निशाना साधना है, लगाना नहीं। मेजर साहब ये क्या करवा रहे हैं आप? ऐसे तो हमारा चक्का जाम हो जाएगा। आप हमें सिर्फ ये बताइए कि निशाना कहाँ लगाना है, बाकी सब हम पे छोड़ दीजिए ना। आप आराम से। भैया शूटर्स जिनके बारे में आप बात कर रहे थे। भैया व्हाई यू प्रिटेंडिंग टू बी सो इग्नोरेंट? इनसे तो ठीक से पिस्तौल तक पकड़ी नहीं जाती। निशाना क्या लगाएंगे? तो खुद ही निशाना लगा के दिखा दो। हटो।
किसी भी चीज को अपनाने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। ये पिस्टल अभी भी तुम्हारे लिए नहीं है, पहले इसे अपना बना लो, फिर देखना निशाना खुद ब खुद लग जाएगा। अब जैसे मैंने कहा था वैसा ही करो, कम ऑन। क्लू वो कितने अच्छे शूटर्स हैं। गिव मी वन चांस, फिर देखना मैं उन्हें क्या से क्या बनाता हूँ। भैया आप उन दोनों की सूरत बदल सकते हैं, सीरत नहीं। बैठ। बैठ। यार एक कैद से निकलकर दूसरी कैद में आ गए, फर्क सिर्फ इतना है कि वहां जी के मर रहे थे और यहां मर मर के जी रहे। सुन रहे हो कि नहीं? अबे ओए। कैसी बात कर रहे हो तुम पाली? वहां मर के भी नर्क मिलता और यहां जीते जी एक नई जिंदगी मिल रही है। ए ज्ञानी, अबे ओ ज्ञानी, यहां से जाने के बाद हम भी ऐसा माल बनाएंगे भाई। शिवनगंज कुली बाजार, सारा भूसा टोली, पुरानी बस्ती, हर जगह बवाल मच जाएगा। मशीन आ रही है। हाँ? क्या बात कर रहा है? हाँ देखो पाली, क्या कहा था ना कि पेट अंदर रखने का और सामने निशाना, एक आंख बंद और हमेशा ये अरे परिधि जी, आप कब आई? दरअसल बात यह है परिधि जी की, जब भी हम शूटिंग करते हैं ना तो हमें आसपास का कुछ नहीं दिखाई देता, अब इसीलिए तो हमें आपके आने का पता ही नहीं चला। और वैसे भी आपके भाई साहब मतलब मेजर साहब यही कहते हैं कि एक अच्छा शूटर वही है जो बिना ध्यान भटकाए एकाग्र होकर शूटिंग करे। हो गया जी। तो अब सुनो भैया, अभी घर पे नहीं है। अच्छा, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके ना तुम दोनों यहाँ से निकल लो, क्योंकि ये काम तुम दोनों के बस का नहीं है और मुझे पता है कि भैया से पहली बार कोई गलती हुई है, इसीलिए मिनटों में फूट लो तुम दोनों यहाँ से, मिनटों में, समझे? Fire! Good. Fire! Good. Very good. अब मैं अपनी पार्टी के नए बाहुबली नेता श्री हरिशंकर त्रिपाठी को मैं आपके सामने बुलाता हूं, आपको संबोधित करेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमने हमेशा आप लोगों को अपना माना, किंतु आज हमें जिताकर
आपने इस बात का प्रमाण दे दिया है कि आप लोग भी हमें अपना मानते हैं और इस बात के लिए हम आप सबके हृदय से आभारी हैं। हम वादा करते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरेंगे। वैसे तो हम भगवान राम के जैसे शांतिपूर्वक राज्य करना चाहते हैं, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो अत्याचारियों के नाश के लिए हम भगवान कृष्ण की तरह महाभारत रचने की भी ताकत रखते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो हरि। पाली गैनी को बुलाओ। जैसा आप आदेश कीजिए मैं हूं ना। बैलेट ड्राइव खत्म रफीक, अब शुरू होगा बुलेट राज। चौंको मत, अब दुनिया को चौंकाओ। सोच के रहो, चलो शुरू हो जाओ। सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सुपर, बहुत बढ़िया। तुम दोनों अब मेरे साथ लखनऊ जाओगे। लखनऊ किसके लिए? स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप के लिए, जहां तुम दोनों का सामना स्टेट के बेहतरीन शूटर्स के साथ होगा। पर आई हैव नो डाउट दैट यू गाइस आर द बेस्ट। तुम उन सब से बहुत अच्छे हो। ये चैंपियनशिप तुम्हारी जिंदगी के मायने ही बदल देगी, ट्रस्ट मी। कोई सवाल? एनी डाउट? नहीं, काम हो जाएगा। गुड, आराम करो, फिर मिलते हैं। कम, टोल्ड यू दे आर द बेस्ट। और क्या हुआ बे? कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी हमें यहां तक लेकर आएगी। अब तो भाई शूटिंग करेंगे। बोले कहाँ हो भाई तुम लोग? जज साहब गायब भी हो गए। जज साहब, हम तो आपसे मिलने आए थे लेकिन रफीक ने हमें मिलने नहीं दिया। मिलने नहीं दिया? आप बिजी थे ज्वाला जी के साथ मीटिंग में। तो मीटिंग खत्म होने के बाद बताते। तुम लोगों का सपना पूरा होने का समय आ गया है, चलो हमारे साथ। कहा हुआ बे, काहे इतना सोच रहे हो? चलो। कहां चले? हाँ, और मेजर साहब का दिया वादा क्या? नहीं, अबे गत्तों पे गोली चलाने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं यार। यार भगवान बुला रहा है हमें, यही तो सपना था ना हमारा। यार एक मौका मिला है, अगर ये हमारे हाथ से चला गया ना ज्ञानी, तो हम खत्म हो जाएंगे। और अगर हम तुम्हारे साथ चले गए ना, तो हम जी भी नहीं पाएंगे। Oh, 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 oh
अपने दोस्त के पास। अगर ये चाहता तो ये भी जा सकता था। भैया, you still trust him? Calm down. इसका अभी भी यह होना ये साबित करता है he is trustworthy. You calm down, okay? I'll handle it. ठीक हो? ज्ञानी, I'm really sorry. मैंने तुम्हें गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल दिया. प्लीज मुझे माफ कर दो. प्लीज, I'm really sorry. प्लीज. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप रैपिड फायर पिस्टल मैन क्वालिफाइंग राउंड. क्या हुआ? कुछ नहीं. इतने नर्वस क्यों? बंद कमरे में शूटिंग करने की बात कुछ और होती है, और यहाँ इतने सारे लोगों के बीच में शूटिंग करना. क्या नहीं, रिलैक्स. सोच लो कि यहाँ कोई नहीं है, ना पार्टिसिपेंट्स, ना हम, ना ये लोग, कोई नहीं है. जस्ट योर टारगेट एंड यू. कम ऑन शूटर्स, तुम कर सकते हो. डू योर फायरिंग पॉइंट. ज्ञानी सिंह, जिनकी परफॉर्मेंस शुरू में इतनी अच्छी नहीं थी, पर फाइनली वो टॉप 10 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं. थैंक यू, थैंक यू, यू वर गुड. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ज्ञानी, इट्स ओके. तुम्हारी इनिशियल परफॉर्मेंस देख के मुझे भी लगा था कि तुम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, बट यू डिड इट. यू क्वालिफाइड ज्ञानी. ही डिड व्हाट? भैया, ही क्वालिफाइड. ही केम 9th क्वालिफाइड. ये यहाँ क्वालिफाई करने नहीं आया था. But... ये यहाँ क्वालिफाई करने नहीं आया था, जीतने आया था. खेल में सिर्फ और सिर्फ एक विनर होता, बाकी सारे लूजर्स, क्वालिफायर्स. जीतना सभी चाहते हैं, लेकिन जीतता सिर्फ वो है जो अपना सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपने मकसद को जीता है. भैया वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले थे, लेकिन उसी दौरान उनके कॉलीग ने उन्हें एम्यूनिशन बेचने के झूठे इल्जाम में फंसा दिया. विजय राठौर, हमने आपका रिकॉर्ड ऑफ सर्विस चेक किया है. ऑन द बेसिस ऑफ योर 10 इयर्स ऑफ ऑनेस्ट सर्विस, हमें लगता है कि हमें आपको एक मौका और देना चाहिए. 10 इयर्स ऑफ ऑनेस्ट सर्विस सर, एंड यू चोज नॉट टू बिलीव मी. जब आपने एलिगेशंस लगा ही दिया है, सो बी इट. एंड आई डोंट वांट टू लूज माय सेल्फ रिस्पेक्ट सर, माय रेजिग्नेशन. भैया जानते थे ये कंस्पिरेसी, और इसी के साथ ही भैया का गोल्ड मेडल जीतने का सपना भी खत्म हो गया. पाली की कसम, मेजर साहब का सपना अब हम पूरा करेंगे. 18 21 22 23 पकड़ के चलिए. अबे जब चौके 72 है तो 25 23 कैसे? मैं कैलकुलेटर में देख के, मोबाइल में कैलकुलेटर.
हाँ 18:85। टीचर ने तो कहा था 90। टीचर गलत भी तो बता सकती है। तुम्हारा गणित ठीक नहीं है रफी। मोबाइल ठीक नहीं। गणित सुधारो अपना। 18:85 जो टीचर ने कहा है। प्रणाम जज साहब। हाँ आओ मेरे शेर, जीते रहो। जाओ बेटा, बाकी का गणित मम्मी से पढ़ना। आजकल तो चारों तरफ छाए हुए हो। आपका आशीर्वाद जो है जज साहब, आपका हाथ हमारे सर पर रहा तो हम जल्दी ही जुर्म की दुनिया में भी छा जाएंगे। जरूरी नहीं कि जो बादल छाए वो बरस भी जाए, पर ये बादल बरसेगा। तड़प कर बूंद भर पानी को प्यासा मर गया चातक, सघन घन लाश पर उसकी अगर बरसा तो क्या बरसा। ये भी जान लो कि बरसना कहां है। सबसे पहले तुम्हें ब्रह्मानंद को मारना है। भरत लाला हमारे देश के 90% नाइट क्लब्स का मालिक, नाइट क्लब्स की आड़ में यह देह का व्यापार करता है। जुगनो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और ड्रग्स के धंधे से जुड़ा है, गैराज की आड़ में अपने सारे काम बड़ी आसानी से निपटाता है। विश्राम सिंह भू माफिया है, सुल्तान के ऊपर पैसा लगाता और उसी के दम पर रॉब जमाता है। इस कारण बाकी के दूसरे ग्रुप इसके दुश्मन हो गए। पिछले कुछ सालों से ये आदमी ऐसे ग्रुप के ऊपर भी पैसे लगा रहा है जो हमारे देश में आतंक फैलाते हैं, इसलिए इसका मरना सबसे ज्यादा जरूरी है। खोपड़िया ठंडाई है। अरे मान गए तुम्हारे सर्वव्यापी किरदार को, एक ही फूंक में बाउंडर खड़ा कर दिया। ये फूंक अपने अंदर कितने तूफान समेटे हुए नेताजी, इसका अंदाजा नहीं है आपको। प्रणाम जज साहब। आओ मेरे शेर। नमस्ते। अरे आओ आओ, शाबाश शाबाश। जीत रहो, बैठो, खुश रहो खुश रहो। हरी दाद देनी पड़ी तुम्हारी पारखी नजर की। कट्टे की खान से पिस्तौल निकाली है पिस्तौल। आप हमारे गुरु हैं नेताजी, तोप को पिस्तौल कहना आपको शोभा नहीं देता। ठीक है हरी ठीक है। पाली कल से काला टीका लगा कर निकला करो, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। जो जज साहब की सरप्रस्थी में जीते हैं उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। आप आदेश कीजिए जज साहब। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए और माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आवे फल होए। ये क्या है भाई? देखो
हम तो मुंबई जाते नहीं, तो ये मुंबई वाला बंगला आज से तुम्हारा हुआ। गुड्डी के साथ जियो भरपूर, खूब प्यार दो उसे। ये देखिए सर, अभी जो इन्होंने फायर किया है तब इनका स्टेट ऑफ माइंड ये था और स्कोर 10.5 यहाँ पर, और जब इनका स्कोर था 10.7 तब इनका स्टेट ऑफ माइंड ये था, और जब इनका स्कोर था 10.2 तब इनका स्टेट ऑफ माइंड ये था। यू मीन बेसिकली दिस इज द बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड ही शुड बी व्हेन ही शूटिंग, राइट? यस राइट, यस, सो इट्स बेस्ट देन। यस, साउंड्स गुड। ओके, थैंक्स ज्ञानी। लिसन टू मी केयरफुली, अपनी धड़कनों को ध्यान से सुनो। दो धड़कनों के बीच में जो टाइम गैप है उसे पहचानो। दैट इज योर राइट टाइम टू गेट योर टारगेट। ओके, ट्राई। बहुत अच्छे। चैंपियनशिप जीत ली है। चुम्मा तू मुझको उधार दे दे। ओए होए, ओए मेरे गुलाबो। अरे रुक क्यों गए? I was counting. चलो चलो फिर से करो। क्या परिधि, ये सब हम क्या कर रहे हैं? जो करना चाहिए वो तो हम करते ही नहीं है। Shut up. चलो ध्यान दो। चलो एक काम करते हैं, एक पप्पी दे दो, पूरा काम पे ध्यान लग जाएगा। सच्ची पप्पी चाहिए? पहले बुलजाय मार के दिखाओ। हाँ? यार ये पप्पी के बीच में ये सब कहाँ से आ गया यार? वैसे ही जैसे मेरी इस फिजियोथेरेपी के बीच में तुम्हारी ये पप्पी। अरे यार ये लड़की भी ना बात समझती नहीं है। कम ऑन या वो कौन था, क्या करता था? How does it matter? आप लोग इस बात को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? All that matters is that he's got all the qualities of a true international champion. And he's proved that. National championship jeet ke. Sir, aap ye baat likh ke lijiye. In future, ye ladka, har international meet mein, Hindustan ka naam, gold se likhega. Major Rathore, I don't think you understand. Ab hum policies ta nahi badal sakte na? Kaisi policies hai sir ye? Jo
इंसान को अपना पास बुलाकर एक नई जिंदगी जीने का मौका तक नहीं देती। मेजर, यू गेटिंग इमोशनल नाउ। आपको समझना चाहिए, हमारे ऊपर भी सवाल उठ सकते हैं, राइट? आई विल आंसर दोस क्वेश्चन सर। दैट्स नॉट द पॉइंट मेजर। सर, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूं। एक मिनट मेजर राठौर, एक मिनट शांति रखिए। पहले से अंदर रखिए, आप संभाल के रखिएगा। हस्तक्षेप के लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन जिस प्रकार सनई के धागे से पतंग नहीं उड़ाया जा सकता, ठीक उसी तरह ये किसी अपराधी को शूटिंग की अनुमति नहीं दे सकते। That's right. समझ रहे हैं? शुद्ध हिंदी में पूर्ण विराम और अंग्रेजी में फुल स्टॉप। जय हिंद। फाइन, ठीक है। आज जो लड़का हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता है, कल अगर वो एक क्रिमिनल बन जाए तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोग जिम्मेदार होंगे। प्लीज पाटिल साहब, पाटिल साहब निराश मत कीजिए। वो लड़का अपनी मंजिल से सिर्फ दो कदम दूर है। आज अगर उसे वापस जाना पड़े तो वो जी नहीं पाएगा। देखिए, ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता। आप जानते हो ना वो लड़के का बैकग्राउंड क्या है, फिर भी आप उससे परमिशन मांग रहे हो। पाटिल साहब, वैसा नहीं है, बहुत ही होनहार लड़का है, वो इंडिया के लिए मेडल जीत सकता है। देखिए, आप मुझसे बहस मत कीजिए, आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। चलिए पाटिल साहब, भीख मांगता हूं पाटिल साहब। बहुत बड़े कुत्ते हो तुम। हाँ? हम्म, क्या बोला? बहुत बड़े शूटर बनोगे तुम? नहीं, तुमने कुछ और कहा मुझे। क्या? तुमने मुझे कुत्ता बोला? नहीं, पागल हो गए हो? नहीं ना? अच्छे। भैया, Is everything okay, भैया? मैं हार गया। क्यों? क्या हुआ? परिधि, कहने की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। What? I'm sorry, बेटा। मुझे माफ कर दो। तेरे लिए मैं कुछ नहीं कर सका। रात बहुत हो चुकी, जाके सो जाओ। ज्ञानी, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, जाके सो जाओ। क्या सो जाए? हा? क्या सो जाए? अरे सोने के लिए तो नींद की जरूरत होती है, और वो तो आपने हमसे छीन ली है। एक बात बताइए, क्या जरूरत थी आपको ऐसे सपने दिखाने की जो आप पूरा ही नहीं कर सकते थे? आपको हमारे बारे में सब कुछ पता था, और आप ही आए थे हमसे मिलने के लिए। हम यानी हम एक खिलाड़ी हैं और खेलना जानते हैं,
ये परमिशन वर्मिशन क्या है यह मैं नहीं पता। हम सिर्फ गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं। और हाँ, कल तक ये सपना सिर्फ आपका था, लेकिन अब ये हमारा है और हम इसे हर हाल में हासिल करेंगे। भैया, भैया, मेजर साहब, just stay away from us। समझते क्या तुम अपने आप को? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने मीन और सेल्फिश निकलोगे। क्या नहीं किया मेरे भैया ने तुम्हारे लिए, और तुमने हमें ये सिला दिया। भैया, परिधि मेरी बात तो सुनो। चले जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। Just go, just get out from here, get out, go। भैया, रामू काका। ज्ञानी, इतनी रात को? हेलो ज्ञानी, ज्ञानी। हाँ पाली, का हुआ बे? इतनी रात को कैसे फोन किया? बस यार, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सोचा कि तुमसे बात कर लूं। लेकिन देर काफी हो गई ना। ठीक है, तुम सो जाओ, हम बाद में बात करते हैं। एक मिनट, का हुआ बे? बता तो जरा। कुछ नहीं। अबे तो फिर तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो बे? अरे सही से तो बात कर रहे हैं हम। तुम रो रहे हो बे? तुम पागल हो गए क्या? हम क्यों रोएंगे? अबे हमसे झूठ बोलोगे तुम? हमसे? अबे तुमसे ज्यादा तुम्हें हम जानते हैं। समझे? अबे बता, किसने रुलाया? नाम बता। साले का नाम बता, इस दुनिया से उठा देंगे उसे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर कल के कल तुम हमारे पास आओगे, नहीं तो हम आ रहे हैं तुम्हारे पास। नहीं नहीं, तुम नहीं आओगे, हम तुम्हारे पास आते हैं। ठीक है, चलो बाद में बात करते हैं। हेलो, सब ठीक तो है ना? क्या? साले 2 मिनट के लिए भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं रहता था, और अब देखो गूंगों की तरह बैठे हुए हो। अबे यार सही सही बता यार, क्या बात है? क्रिमिनल बैकग्राउंड की वजह से हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। अब हम कभी खेल नहीं पाएंगे। बस इतनी सी बात है? हाँ, अबे साले ये तो खुशी की बात है, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। अरे यार बचपन से तो हम यही चाहते थे, और ये देखो भाई किस्मत ने हमें कहां पहुंचा दिया साथ में। अबे बहुत तड़पे हैं हम, बस यार और नहीं, अब हम तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने देंगे भाई। अब दोनों भाई मिलकर काम करेंगे और खूब मौज मारेंगे। अरे अब तो खुश हो जा। आज जो लड़का हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता है, कल अगर वो एक क्रिमिनल बन जाए तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोग जिम्मेदार होंगे। इतना भी मत पियो पाली भाई कि खुद को संभाल ना पाओ। अबे आज तो हम पेल के पियेंगे, पेल के। हमारा यार जो आया है हमें संभालने।
परिधि। कहाँ हो तुम? पिछले 10 दिन से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ पर बार बार आउट ऑफ रीच आता है। यही तो तुम चाहती थी ना? मैंने तुम्हें गुस्से में कुछ बोल क्या दिया? तुम चले ही गए। क्या यही है तुम्हारा प्यार? रियली रियली सॉरी, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें। नहीं परिधि, गलत तो हमने किया है तुम्हारे साथ, प्लीज हमें माफ कर दो। गुड डे, यहाँ गुड डे। ये सब क्या हो रहा है? और पाली, तुम आज इतनी क्यों पी रहे हो? क्योंकि हम आज बहुत खुश है गुड डे। पता है एक वक्त ऐसा भी होता था जब हम एक वक्त का खाना अपने दोस्तों को ना खिला सके, और आज देखो, ये देख सब कुछ है, सब कुछ, इतना पैसा, इतना पावर, आज ना हम उस पूरे गांव को खाना खिला सकते हैं। क्या बोलते हैं लोकेश भाई? चलो खैर, ये सब छोड़ो और ये बता, कैसी हो तुम और मेजर सब कैसे? ज्ञानी। हेलो ज्ञानी, कहाँ हो तुम? शूटिंग नहीं करनी क्या? मतलब तुम्हें परमिशन मिल गई है, फोन रखो और जल्दी आ जाओ। जी मेजर साहब, हम अभी आते हैं। गुड। सच भैया, परमिशन मिल गई? मैंने आपसे कभी झूठ बोला है? ओह गॉड भैया, आई एम सो हैप्पी। चलो इस खुशी के मौके पे तुम भी हमारे साथ पी लो। पाली। अबे ज्ञानी, क्या रे भाई, तुम बड़े ही खुश लग रहे हो। हाँ पाली, तुम्हारे भाई को शूटिंग की परमिशन मिल गई है, अब देखना चैंपियनशिप में लोगों के छक्के छुड़ा देंगे। इस बार तो हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर ही आएंगे। चलो पाली, हम चलते हैं, बहुत तैयारी करनी है। तुम कहीं नहीं जाओगे पाली, हमें जाना ही होगा। हमने कहा ना कि तुम कहीं नहीं जाओगे, मतलब तुम कहीं नहीं जाओगे। अबे समझते क्या अपने आप को बे, जब भी तुम्हारा जी चाहेगा तुम चले आओगे, और जब भी तुम्हारा जी चाहेगा तुम चले जाओगे। अरे हमारे भी जज्बात हैं, हमें भी दर्द होता है ज्ञानी, और तुम साले उन गैरों के लिए तुम अपने बचपन के दोस्त को छोड़ के जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है पाली। छोड़ गुड्डी। पाली समझने की कोशिश कर रहा हूं, हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है, वो हमारी जिंदगी का सपना है। अबे नहीं देखना कोई सपना, इसकी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, नहीं है, हमें जाना ही होगा। अबे साले परिधि, कम ऑन, आई नीड मोर। कम से कम मुझे 5 और चाहिए, क्विक नाउ। व्हाई यू सो स्लो? भैया उसे आने तो दीजिए पहले। अरे आ रहा है, वो बात हुई ना मेरी उसे। देयर इज अ लॉट टू डू यार, उसने प्रैक्टिस ही नहीं किया हुआ है, बट मार्क माय वर्ड्स, ये लड़का गोल्ड मेडलिस्ट है। हे ज्ञानी, तुम्हारी बात कर रहे थे, लंबी उम्र है तुम्हारी, कम से कम 100 साल जियोगे। क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? हमें माफ कर दीजिए मेजर साहब। किस बात के लिए? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कैरी, ये क्या है? बस वो क्या, थोड़ी सी चोट लग गई है बस, बाकी कुछ नहीं।
थोड़ी सी चोट या फिर गोली लगी है? I mean, Gary, तुम क्या सोच रहे थे? Gary, God, there's no point. तुम कभी समझोगे नहीं क्या क्या नहीं किया। आप शूटिंग कैसे करोगे? ज्ञानी, पाली को अपना सच्चा दोस्त मानते हो ना? मानते नहीं है, वो है हमारा सच्चा दोस्त। कैसा दोस्त है ये जिसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की? जान अगर लेनी ही होती तो वो यहां मारता, यहां नहीं। तो फिर ये क्या है? ये उसका दर्द है हमसे बिछड़ने का। तो फिर रखो अपना दोस्त और उसका दर्द और उसका प्यार अपने पास। अरे परिधि, अरे परिधि, हुआ क्या? लेकिन परिधि, परिधि, ये क्या कर रहे हो पाली? क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? तो और क्या करें गुड्डी, मैं कुछ नहीं सोचता। तुम जाओ। तुम्हारे भाई को शूटिंग की परमिशन मिल गई है, तुम कहीं नहीं जाओगे। हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है। हमने कहा ना कि तुम कहीं वो नहीं जाओगे। वो हमारी जिंदगी का सपना है। उन गैरों के लिए तुम अपने बचपन के दोस्त को छोड़ के जाओगे? हमें जाना ही होगा। अबे साले, ज्ञानी, पाली चला गया ना? वो कहीं नहीं गया है, वो वापस आ जाएगा। अब वो वापस नहीं आएगा गुड्डी। अरे गोली मारी है हमने, गोली मारी है अपने भाई को, हमने गोली मारी है। पाली, गलती से चली थी ना गोली। पाली, तुमने जानबूझ के तो नहीं किया है ना? शांत हो जाओ। मगर किया तो हमने है ना गुड्डी। पाली शांत हो जाओ। बहुत बड़ा पाप है, हम अपने आप को कभी नहीं माफ कर सकते। भैया, देखा जाए तो ज्ञानी का असली मुकाबला जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से है। You're absolutely right. पिछले काफी इवेंट से ये दो नंबर वन और नंबर टू की पोजीशंस पे आते रहे। But you cannot underestimate any other team. ज्ञानी को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ज्ञानी, ए ज्ञानी, कहाँ खोए हो? हमें पाली की बहुत याद आ रही है। दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। फोन कर लो। हमने उसे कई बार फोन किया लेकिन उसने हमारा फोन नहीं उठाया। बहुत घबराहट सी हो रही है। हमारा उसे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज सर, हमें सिर्फ एक बार मिलने। सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है। पाली, हेलो पाली, कहाँ हो बे? कितने कॉल किए तुम्हें? अड्डे पे हूँ भाई, जल्दी आ जा। अड्डे पे? हम अभी आते हैं। मेजर साहब, प्लीज हमें जाने दीजिए। एक कोच की हैसियत से मैं तुझे जाने की इजाजत नहीं दे सकता, लेकिन एक इंसान होने के नाते
मैं तुझे रोकूंगा नहीं। थैंक यू सर। पाली मेरे भाई। साले कितना परेशान करते हो तुम हमें, हाँ? और एक बात बताओ, हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? बोलो। अबे साले किस मुंह से फोन उठाते, हमें माफ कर दे मेरे भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो। अबे साले तुम अभी भी इसी बात को लेके बैठे हुए, तुमने हमें यहां मारा था ना, यहां यहां छोड़ो यहां मारो यहां, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। मेरे यार ऐसी जान का ख्याल रखना। देखो पाली अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, छोड़ दो ये सब कुछ, लोगों का खून बहाकर कुछ हासिल नहीं होगा। तू तो सचमुच ज्ञानी हो गया मेरे यार। अरे पाली तुम हमारी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, अभी सिर्फ देर हुई है, लेकिन बहुत देर नहीं। पर तुम तो जानते हो कि हम बढ़ाए हुए कदम कभी वापस नहीं लेते। चलो छोड़ो ये रखो। अबे साले जब तुम हिंदुस्तान के लिए खेलोगे ना, तब इसे अपने सीने से लगा लेना भाई, हमें ऐसा लगेगा कि हम तुम्हारे साथ हैं। अब यही है तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी मंजिल। ये सब आप ही की वजह से हुआ है मेजर साहब, तुम्हारी मेहनत की वजह से। जो सफर एक छोटी सी नाव में एक कट्टे से शुरू हुआ था, वो पिस्तौल बनकर यहां तक कभी नहीं पहुंचता। गो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ए पाली तुम क्यों इतना उदास हो रहे हो? ज्ञानी तुमसे अलग थोड़े ही हुआ है, बस जरा सा दूर हुआ है पाली। और वैसे भी सूरज तो आ रहा है ना तुम्हारे पास। सूरज? हाँ सूरज। पाली अब ये भी क्या हम समझाएंगे। गुड्डी गुड्डी क्या हो गुड्डी? गुड्डी तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा गुड्डी। गुड्डी मैं वापस आ रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं गुड्डी। गुड्डी सुन रही हो ना, मैं वापस आ रहा हूं। Thank you.
साले दे बहुत बुरा लगा जब गुड्डी के बारे में सुना। जीवन में लोगों का आना जाना लगा रहता है, परंतु जीवन नहीं रुकता। और तुम्हें तो अभी बहुत काम करना है। चलने का नाम ही जीवन है। जीते रहो हरी, जीते रहो। क्या हुआ, कैसे याद किया? एक धर्म संकट में पड़ गए। अच्छा, सोचा आप हमारे गुरु हैं, आपसे विचार विमर्श कर ले। हाँ हाँ, काहे नहीं, बताओ समस्या क्या है, अभी समाधान किए देते हैं। जहां राम तह काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, तुलसी कभौ न साथ रहे, रवि रजनी एक ठाम। ओहो, काहे खोपड़िया कंफ्यूज़ आ रहे हो? मैटर ऑफ फैक्ट क्या है ये बताओ। अगर कोई अपना धोखा दे तो क्या करना चाहिए? इतनी सी बात, अगर कोई खास हो तो एक मौका देना चाहिए, नहीं तो लेकिन इतने भी खास नहीं थे। महादेव, जब कोई शिष्य अपने गुरु से आगे निकलता है, उसका नाम रोशन करता है, तो गुरु को फक्र महसूस होता है। लेकिन जब वही शिष्य गलत रास्ते पर जाता है, तो शर्मिंदगी का एहसास होता है। हम मार तो सकते नहीं है तुम्हें, क्योंकि बेटे की तरह जो माना है, लेकिन दूर तो हो ही सकते हैं तुमसे। जज साहब, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमने क्या गलत किया है जज साहब? तुमने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, ये तुम्हें सोचना है। महादेव,
लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप रैपिड फायर पिस्टल सीरीज 1. शूटर्स टू योर फायरिंग पॉइंट. ये सब बता. मुगेरा गांव का हर बच्चा जज साहब बनना चाहता है पाले, और अब हमारी बारी है. क्या माजरा है बता बता. गुरुजी हमें लगता नहीं ये पिस्तौल अब कभी आग उगलेगी. ये तो उगलेगी ना. फिकर न करें जनाब, आप सरहद पार से हुक्म करते रहें, हम यहां बैठे हैं. इस बार हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में शर्मसार होगा, यह हमारा वादा है आपसे. खुदा हाफिज. लोकेश, इस शूटिंग चैंपियनशिप में इतना खून बहाओ कि हिंदुस्तान को सदियां लग जाएं इसके धब्बे मिटाने में. लेकिन गुरुजी वहां पर जो ज्ञानी. मकसद से बड़ा कुछ नहीं होता लोकेश. साले तुम भूल गए कि हमारा भाई यहां खेल रहा है. अगर हम दोस्ती में जान दे सकते हैं तो हम जान ले भी सकते हैं.
जीत तुम्हारी होगी। जितना बहाना है बहा ले, लेकिन इस मिशन को पूरा होने से तुम कभी नहीं रोक सकता। जिसके लिए मेरे साथियों को तूने मारा है, बचा सकता है तो बचा ले उसे। जीत कर हिंदुस्तान का सपना पूरा कर पाएंगे। तुम्हारे सपने से कोई नहीं रोक सकता। हमने सब कुछ ठीक कर दिया। कितना खून निकल रहा है। अबे डॉक्टर, डॉक्टर! नहीं भाई, हमें जाना है। पाली, पागलों जैसी बातें मत करो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ज्ञानी, समझने की कोशिश कर भाई, गुड्डी अकेली है। क्या गुड्डी बाप? हमें जाना होगा। मेरे भाई पाली, पाली। वादा कर, वो सपना तुम्हें पूरा करना है। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। चाकी जीतना मेरे भाई। अरे डॉक्टर को कोई बुलाओ, डॉक्टर! पाली, पाली, उठ! अरे पाली, 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 उठ पाली, उठ पाली, अरे उठ ला पाली। देखो ऐसा मजाक हमारे साथ मत करो, हमें गांव जाना यार। पाली साथ में, क्या कर रहे हो तुम? अरे उठ ला, उठो ना यार। मिस्टर सब, अरे मजाक करने की आदत है इसे, अभी उठेगा। दो मिनट, मजाक मत करो, चलो उठो, उठो, चलो उठो। अरे तुम रोक ही रही हो। अरे उठेगा ये, दो मिनट में उठेगा। अरे एक नंबर का नौटंकी है यार, अभी उठेगा। देखो उठे, पाली, पाली, पाली उठ जाना, पाली, पाली प्लीज उठ जाना, पाली, 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 पाली।
ज्ञानी बेटा, नहीं नहीं रोते, नहीं रोते बेटा। आज अगर तू टूट गया ना, आज अगर तू टूट गया तो करोड़ों हिंदुस्तानियों का सपना पाली के साथ साथ बिगड़ जाएगा। तुझे उठना होगा, तुझे उठना होगा। यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू गेट अप एंड गो विन दैट कोल्ड एंड मेक योर फ्रेंडशिप इमॉर्टल। एवरीथिंग विल बी ओके। गॉड, गोल्ड मेडल जीत के इतिहास रच दिया।